अब देखो, एक होता है सिंगल इक्वल, एक होता है ये डबल इक्वल, और एक ट्रिपल इक्वल। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब वैल्यू को कंपेयर करवाते हो इक्वलिटी चेक करने के लिए। एक तो डबल इक्वल से कर सकते हैं, और एक ये सिर्फ वैल्यू को देखता है ना। क्या देखता है? वैल्यू को। मतलब यदि तुमने लिखा यहाँ पे 5 इक्वल इक्वल, तुमने ऐसे भी लिख दिया ना 5, ये ट्रू दे देगा। वो डेटा टाइप नहीं देखता है, देखता है कि वैल्यू दोनों सेम है, ये ट्रू दे देगा। ठीक है, समझ आया? लेकिन ट्रिपल इक्वल दोगे ना, ये डेटा टाइप भी चेक करता है, अब ये फॉल्स दे देगा। समझ आया? नोट करो। अच्छा देखो, यहाँ पे अभी लिखा 5 इक्वल इक्वल 5, अभी क्या बोलेगा? हाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा हाई, आवेगा ना, ट्रू के अंदर आ जाएगा। और ट्रिपल इक्वल लगा दिया तो हाई नहीं आएगा। समझ आ गया? ये कर लिया था ना, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला। हाँ देखो, ए ई आई ओ यू हुआ तो क्या हो जाएगा? वोवेल। और यदि ए या ई या आई या वो या यू नहीं हुआ तो क्या बोलेगा? पार्ट हाँ? में डायरेक्टली तो दे अभी हम सकते इफ एल्स में नहीं आए हैं, हम इसे इफ में ही है। ठीक है ना, तो दोनों काम इफ से ही करना है। चलो नोट करो। अभी एक क्वेश्चन दूंगा है ना, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। देखो, मान लिया हमारे पास कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसका आस्काई वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जैसे ए, ए का कितना होता है स्मॉल ए का? 97 आस्काई। स्मॉल ए का कितना होता है? 97 फिक्स है, और कैपिटल ए का 65, ये फिक्स है। ठीक है, तो ले लिया ए। अब इसका आस्काई निकालते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। है ना, उसके लिए क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम है ना, कैर कोड सीधे ये लिख सकते हैं आप। उल्टा हो गया। देखो, आर एन 97 का ये आ रहा है ना, ये हो गया आस्काई से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, है ना। यदि हमारे पास कोई आस्काई हो और उससे क्या करना है? स्ट्रिंग पता करना है, उसका कैरेक्टर पता करना है, लेटर पता करना है, तो पता चल जाएगा इस तरह से। अभी लिखा 65, तो क्या आना चाहिए? कैपिटल आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? ये बताइए, आगे कपड़े ले।
लिखो, अब उल्टा इसका बताता हूँ। ये होगा जैसे रखा हुआ है ना वेरिएबल में, तो वेरिएबल सी एच डॉट ये रख, ठीक है, कैर कोड एट एक फंक्शन होता है, उसके बाद कैरेक्टर पे यहाँ का इंडेक्स पास करो, है ना, क्या पास करो, इंडेक्स कि जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो का मतलब ए। अब इसे कुछ भी लिखोगे यहाँ पे ना, हमें किसका पता करना है, फर्स्ट वाले कैरेक्टर का ए का, तो यहाँ पे लिख दिया जीरो, ठीक है, तो अकेला लिखो या इससे अधिक लिखो, है ना, तो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स पास करना पड़ेगा, तो जीरो, और देखो इसका नंबर दे देगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर के, यहाँ पर ये लिखो कैपिटल ए, इसका दे देगा 65, ना? स्टार लिखो, देखो स्टार का क्या होता है, 42, ऐसे समझ आ गया, लिखो, देखो इधर इसे एक वेरिएबल में रख लिया, ठीक है, हाँ है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एन को प्रिंट करके देख लो, फिर नया सी एच बन जाएगा क्या, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड किसका, एन प्लस 32, हाँ आ गया ना, फिर आ गया, तब लिखो उल्टा करने के लिए क्या करें, यहाँ पे माइनस कर दो, स्मॉल से कैपिटल में आ जाएगा, आ गया, सुना है, अब चलो क्वेश्चन लिखना है, करना है।